Vasi and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. फिर उसमें अदरक, हल्दी या फिर लहसुन को एक कैप्सूल की तरह सेवन करना, बिल्कुल ये चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती हैं, कर सकती होंगी, लेकिन अभी इनके ऊपर कोई भी ऐसा टेस्टिमोनियल या फिर कोई भी ऐसी पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं आया है कि सिर्फ इनका सेवन करने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जो है वो कम होने लग गया है। हो सकता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर, अगर बिल्कुल शुरुआती दौर हो, तो ये चीजें आपके शरीर में मदद कर जाएं, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरूरत से ज्यादा हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए आपको एक बहुत नेचुरल और बेहद इफेक्टिव सब्सटेंस की जरूरत है, वो है गामा ओरिजिनॉल। देखिए, जब स्टैटिन और गामा ओरिजिनॉल का कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि स्टैटिन और गामा ओरिजिनॉल दोनों हूबहू बराबरी से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्टैटिन यहाँ पर हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव देती है, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता। देखिए, गामा ओरिजिनॉल एक बेहद खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। अलग अलग प्रकार की रिसर्च स्टडीज इसके बारे में मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि वाकई में गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का एक बेहद पुख्ता और उम्दा काम करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दुनिया भर में मिलने वाली गामा ओरिजिनॉल की, अलग अलग कंपनीज और अलग अलग पैकिंग्स की मैं बात करूं, तो दुनिया भर में गामा ओरिजिनॉल हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंपनीज के द्वारा बेचा जा रहा है। इस गामा ओरिजिनॉल के ऊपर पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा विश्वास है। बड़े बड़े देश, जी हाँ, जापान जैसे देश ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक नेचुरल मेडिसिन का दर्जा दिया है। अपनी खास दवाइयों की सूची में भी जापान ने गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर किया है। अगर मैं बात करूं गामा ओरिजिनॉल की क्षमता की, तो जापान का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक बेहद उम्दा और बेहद नेचुरल मेडिसिन है। कुछ इसी प्रकार से अमेरिका का भी कहना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल मेडिसिन फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के नाम पर रजिस्टर किया है। अमेरिका ने भी अपनी खास दवाइयों की सूची में गामा ओरिजिनॉल को एक खास जगह दी है। इसके अलावा अमेरिका का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, यानी कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल और बैलेंस करता है। अगर चर्चा की जाए भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की ताकत को पहचान लिया है, रेकग्नाइज कर लिया और इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करूं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडलाइन की, जिसमें ये लिखा गया कि देयर इज नो मैजिक पिल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये चर्चा मेडिकल जगत में हर नए दिन होती रहती है कि हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कोई भी जादुई दवाई हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी के वाइस वर्सा मैं आपको मिलाना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर हैं भारत सरकार के द्वारा, मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कार्डियोलॉजी विभाग में ट्रीटमेंट करने और सेवा करने के में निकाल दी है। डॉक्टर साहब एक बेहद एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अब मैं आपको डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी की ये स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। इस स्टेटमेंट में डॉक्टर साहब ने क्लियरली बताया है कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बल्कि मानव शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ही नहीं, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, जो कि एम्स हॉस्पिटल से सीनियर डायटिशियन की उपाधि पर है, उनका भी यही कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, तो बेहद जरूरी है कि हम अपने जीवन में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल रोजाना लगातार शुरू कर दें। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, एक अच्छे हृदय के लिए, एक सेहतमंद हार्ट के लिए। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर नीरज कुमार, जो कि कार्डियोलॉजी विभाग के
बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है? मैडम इनकी आवाज नहीं आ रही। जी, तो आप सबने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि FSSAI के द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन मिल गई है भारत में, और ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करता है, लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है, और हमारे शरीर में हार्ट अटैक की समस्या को भी कम करता है, उसकी संभावनाओं को भी कम करता है। इसी के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। जी हाँ, हर एक व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की उम्र का व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक कर सकता है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको सही डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देती हैं। अब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कुछ टेस्टिमोनियल्स, कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो कि जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में गामा ओरिजिनॉल ने बहुत ही ज्यादा मदद की है। मिस्टर कादुकर जी वहीं पर एक और व्यक्ति है जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ है गामा ओरिजिनॉल के सेवन से। यहाँ पर डॉक्टर चंद्र किशोर कुमार जी हैं जो कि लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे थे, उनका कोलेस्ट्रॉल भी गामा ओरिजिनॉल की मदद से कम हुआ, और 13 वर्ष से ही परेशानी का सामना कर रहे थे ये सुरेंद्र छाबड़ा जी, कोलेस्ट्रॉल को मात दी, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस किया मात्र गामा ओरिजिनॉल की मदद से। आप सब लोग इनकी कहानियां, इनकी स्टोरीज हेल्थ गार्ड चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर टेस्टिमोनियल्स में ये सब स्टोरीज मौजूद हैं। इसके अलावा आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपने भोजन में, अपनी डाइट में गामा ओरिजिनॉल को जगह दें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में, अपने खाने पीने की आदतों को, अपनी जीवन शैली को बदलकर इस समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको कुकिंग ऑयल बदलना होगा। देखिए, आपको वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है जो फिजिकली रिफाइंड हो। फिजिकली रिफाइंड का मतलब जिस कुकिंग ऑयल को बनाते हुए किसी भी केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर वो कुकिंग ऑयल, अगर वो फिजिकली रिफाइंड कुकिंग ऑयल राइस ब्रांड ऑयल है तो वो सबसे उमदा तेल है, क्योंकि राइस ब्रांड तेल ही एक ऐसा तेल है जिसका कॉम्पोजिशन, फैट कॉम्पोजिशन नेचुरली हमारे मानव शरीर के लिए बैलेंस्ड है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं हेल्थ गार्ड तेल की चर्चा कर रही हूँ। हेल्थ गार्ड तेल आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर है। उसके अलावा आपको अपने भोजन में, अपने खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव करना होगा। हाई फाइबर रिच भोजन आपको करने होंगे, आपको बीन्स का इस्तेमाल करना होगा, लेंटिल्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा सब्जियां खूब ज्यादा सेवन करना होगा, कच्ची सब्जियों का सेवन कर सकते हैं आप, फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, और अगर मैं चर्चा करूं अनाजों की तो आपको उन अनाजों का सेवन करना है जो अनाज, जिन अनाजों को छिलके के साथ खाया जा सकता है। जी हाँ, होल ग्रेन्स की मैं चर्चा कर रही हूँ। इसके अलावा तीसरी आदत आपको बदलनी होगी, आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। हालांकि आप हर रोज रोजाना मिराकल मॉर्निंग में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, इस आदत को लगातार बनाए रखिए, क्योंकि ये देखा गया है रिसर्च स्टडीज में कि अगर आप रोजाना लगातार 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप अपने शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वर्जिश करते हैं, तो ये वर्जिश करना भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकता है। जी हाँ, अगर आप इसके लिए कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई दवाइयां खा रहे हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सपोर्ट सिस्टम का जो इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा अगर आप एक्सरसाइजिंग करेंगे। चौथी आदत है गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल। जी हाँ, आप सबको अपने शरीर में गामा ओरिजिनॉल का जो इस्तेमाल है वो रोजाना करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, लंबे समय तक करना चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के बारे में अभी हम देख चुके हैं कि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज और बहुत सारे डॉक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ, एक हेल्दी हृदय के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक इंडियन को करना होगा। गामा ओरिजिनॉल ही हर एक भारतीय की पहली जरूरत है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो आप इस जानकारी के लिए इस किताब को स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये किताब नंबर नोट कर लीजिए, 8847312706। ये किताब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की किताब है। इस किताब को खास RCM परिवार के लिए डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने डिजाइन किया है। इस किताब में जगह जगह पर स्कैन कोड्स दिए गए हैं। इन स्कैन कोड्स के ऊपर मोबाइल से स्कैन करने से इस सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल के ऊपर सीधे तौर पर क्लिक हो जाएगी, पॉपअप हो जाएगी। तो इस किताब को अपनी टूलकिट का हिस्सा जरूर बनाइए और ज्यादा से ज्यादा किताबें मंगवा कर इनको काम पर लगा दीजिए, ताकि
हमारा भारत को रोग मुक्त बनाने का जो मिशन है और उस मिशन को बहुत तेजी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा एक बेहतरीन अवार्ड फंक्शन, जी हाँ, फरवरी 2023 में आने वाला ये अवार्ड फंक्शन एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से आप सब के स्वागत के लिए, आप सबको धन्यवाद करने के लिए, जिस प्रकार से आपने गामा ओरिजिनोल में विश्वास दिखाया है, गामा ओरिजिनोल को घर घर तक पहुंचाने का जो मिशन है, जो अभियान है, उस अभियान को आपने पूरा करने की तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रगुजार है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए आपको कुछ अवार्ड्स को अर्जित करना होगा। पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। इस अवार्ड में पहुंचने के लिए आपको लगातार 5 महीनों तक 10,000 पीवी गामा ओरिजिनोल के साथ कंप्लीट करने होंगे। अगर आप अगस्त से शुरू कर रहे हैं तो दिसंबर तक, अगर आप सितंबर से शुरू कर रहे हैं तो जनवरी तक। जी हाँ, जब आप लगातार 5 महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनोल से कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगा पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। अगला अवार्ड है विजनरी अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको जुलाई की वीकर लेग में अगस्त से लेकर दिसंबर तक टोटल 5 लाख पीवी कंप्लीट करने होंगे आपकी टीम की मदद से। अगर आपकी टीम में कोई और व्यक्ति भी ये अवार्ड अचीव करने की कोशिश कर रहा है तो आपको आपके टोटल पीवीज में से उनके पीवीज को माइनस करके बैलेंस के आधार पर इस अवार्ड का जो एलिजिबिलिटी है वो निर्धारित की जाएगी। अगला अवार्ड है स्टेट टॉपर अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको गामा ओरिजिनोल के ऊपर सबसे ज्यादा काम करके दिखाना होगा। जी हाँ, अगस्त से लेकर दिसंबर तक की टोटल सेल को एडअप किया जाएगा और जिस व्यक्ति ने पूरी प्रांत में, पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा काम गामा ओरिजिनोल के ऊपर किया होगा उसे मिलेगा स्टेट टॉपर अवार्ड। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपको 5 महीनों में कम से कम 10,000 पीवी हर महीने गामा ओरिजिनोल के साथ मेंटेन करने बेहद जरूरी है। तो बने रहिए डे टू के लिए। डे टू में हम देखेंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनोल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और कौन सी डॉक्टर ने गामा ओरिजिनोल को ये कहा है कि गामा ओरिजिनोल के लिए कि गामा ओरिजिनोल को एंटीऑक्सीडेंट ना कहिए, गामा ओरिजिनोल एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। तो डे टू पर बने के लिए बने रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इतने से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। आपने वास्तव में आज जो है हार्ट के लिए बड़ी शानदार और बड़ी जानदार जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत 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 आभार। बहुत आरसी एंड द ड्रीम वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। कम ट्रू।